नमस्कार, मैं पिंकी सहगल। आप देख रहे हैं पैंकर न्यूज। राहुल गांधी की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उन पर विवाद भी गहराता जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर डाली है, जिस पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि उनका एक बयान उनके लिए जी का जंजाल बन जाएगा, उनका एक बयान उनको काफी भारी पड़ जाएगा। जी हाँ, दरअसल बीते दिनों कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भारत जोड़ो यात्रा कर रहे सांसद राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की थी। उन्होंने कहा था कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, कभी कभी जब कहीं नहीं पहुंच पाते हैं तो भरत उनकी खड़ाऊ लेकर उन स्थानों पर जाते हैं। इसी तरह उनके खड़ाऊ लेकर हम यूपी में आए हैं, अब वो खड़ाऊ यूपी में आ गए हैं तो राम भी आ जाएंगे। अब जैसे ही सलमान खुर्शीद का ये बयान सामने आया, बीजेपी इस पर भड़क गई और इस बयान पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो सलमान खुर्शीद के इस बयान को चाटुकारिता की पराकाष्ठा बता दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा नरोत्तम मिश्रा ने। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान राम कहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भरत की उपाधि दी। खुर्शीद जी, नर की तुलना नारायण से करना ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, कोई भी उचित नहीं मानेगा। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इस चाटुकारिता से आप दूसरों को आहत कर रहे हैं। कहां 10 जनपद का रहने वाले राहुल जी, और कहां अपने पिता के आदेश पर 14 वर्ष तक बन बन घूमने वाले वनवासी राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए वन में जाने के बाद से, कहां उन्होंने भालुओं और बानरों की सेना को लेकर राष्ट्र का वंदन किया और लंका को नेस्त नाबूद किया, और कहां सरहद पर जो हमारे जवान हैं उन जवानों का अपमान की भाषा बोलने वाले को आप नारायण से तुलना कर रहे हो। ये जवानों के साथ भी उनकी भावना को आहत करने वाला है। वहीं भाजपा के नेता दुष्यंत गौतम ने कहा था कि अगर राहुल गांधी भगवान राम के अवतार हैं तो राहुल गांधी अपनी सेना को बताए कि वो क्या खाते हैं, कि उन्हें क्यों ठंड नहीं लगती, उनकी सेना बिना कपड़ों के क्यों नहीं घूमती। एक योगी की तरह साथ ना कर रहे हैं। देखिए, राम के अवतार हैं तो राम की सेना भी तो उनके साथ में थी, ये सेना क्यों नहीं कपड़े उतार के घूमती, इनको भी उनकी तरह कपड़े नहीं उतार के घूमता ये। बल्कि मुझे लगता है राहुल गांधी जी को अपनी सेना को भी बताना चाहिए वो क्या लेते हैं, ऐसा क्यों इतना कपड़ा खराब करवा रहे हैं इन कांग्रेसियों का। ये भी ऐसे ही घूमे जैसे वो राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस को आदत पड़ी है प्रसाद वो खुद लेते हैं, दूसरों को प्रसाद बांटते नहीं है, खुद ही शोषण करते हैं, खुद ही अपना प्रॉपर्टी हत्याने का काम करते हैं। तो भ्रष्टाचार जो है ना वो नीचे तक इनके जो गया हुआ पूरा नहीं गया हुआ, इसलिए इनको भी नंगा घूमना चाहिए सभी कांग्रेसियों को जैसे राम की सेना घूमती थी। जी, क्या कारण लग रहा है आपको कि ठंड नहीं लगती है राहुल गांधी को? ये तो वही बताइए वो क्या लेते हैं, ऐसा क्या लेते हैं, और सबको बताना चाहिए और बांटना भी चाहिए वो प्रसाद, कौन सा प्रसाद है जिसके कारण ठंड नहीं लगती है। अपनी मम्मी माँ को भी बताना चाहिए, अपनी बहन को भी बताना चाहिए इतने सारे कपड़ों पैसा खर्च क्यों करते हैं वो। देख, लव जिहाद एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई। इनके अलावा हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने भी इस पर ट्वीट करते हुए कांग्रेस को 2009 में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया उनका हलफनामा याद दिला दिया। उन्होंने लिखा, सलमान खुर्शीद जी, आपने राहुल गांधी की तुलना श्री राम से की है और आपकी ही यूपीए सरकार ने 2009 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में श्री राम को काल्पनिक बताया था, तभी आप राहुल गांधी को यात्रा में दाढ़ी बढ़वा कर सर्दी आधे कपड़े डलवा कर काल्पनिक नेता बनाकर पेश करना चाह रहे हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि साधु संत भी सलमान खुर्शीद के इस बयान से काफी नाखुश है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने सलमान खुर्शीद के बयान पर कहा कि कोई भी व्यक्ति भगवान राम नहीं हो सकता, ना ही भरत हो सकता है, कभी भी राहुल गांधी की तुलना राम से नहीं की जा सकती। उन्होंने जो कहा हम उसकी निंदा करते हैं। तो कुछ इस तरह से अपने एक बयान को लेकर बुरी तरह से घिर गए हैं सलमान खुर्शीद, जिसकी कल्पना शायद उन्होंने कभी भी नहीं की होगी।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।